आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधताएं हैं, जिसकी संस्कृति और कला विश्व को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अब यही विविधता वाला देश प्रदूषण वाला देश बन रहा है, ये हम नहीं स्विस संगठन की रिपोर्ट कह रही है। तो चलिए दिखाते हैं स्विस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी में प्रदूषण की मार, यूपी की हवा बेहद जहरीली, यूपी के 14 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित, दुनिया में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, मेरठ कानपुर लखनऊ भी सर्वाधिक प्रदूषित। खिलखिलाती धूप यानी कि गर्मी के लौटने का संकेत, लेकिन ये गर्मी अपने साथ साथ एक और मुश्किल भी लाई है, वो है प्रदूषण। जी हाँ, स्विस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जो पूरे देश के साथ साथ यूपी के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर सेंट्रल और दक्षिण एशिया में है। इनमें से 10 शहर भारत के हैं। इतना ही नहीं, टॉप 10 प्रदूषित शहरों में से 4 यूपी के हैं। आईक्यू एयर ने ये रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है। यहाँ साल 2021 का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 106.2 रहा। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद 102, चौथे नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली 96.4, इसके बाद पांचवे नंबर पर यूपी का जौनपुर शहर 95.3, सातवें पर फिर से यूपी का नोएडा 91.4 और दसवें नंबर पर यूपी का बागपत शहर 79.1 रहा। इस तरह दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में यूपी के कुल 14 शहर शामिल थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानकों पर दुनिया का किसी भी देश का कोई भी शहर खरा नहीं उतरा है। इस सर्वे में दुनिया के 6,475 शहरों का डेटा शामिल किया गया है। इस डेटा के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर 2021 में खराब हुआ है। स्विट्जरलैंड की पोल्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर के इस डेटा में दुनिया के 93 शहरों में PM 2.5 निर्धारित स्तर से 10 गुना ज्यादा मिला। WHO के अनुसार किसी भी शहर में PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2021 के सरकारी आंकड़ों से ये भी पता चला है कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में हवा की गुणवत्ता और खराब हुई है। संसद में हाल ही में एक नोट में दिखाया गया है कि पिछले साल दिल्ली में खराब से गंभीर वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 168 थी, जो 139 या एक साल में 21% की भारी उछाल से ऊपर थी। भारत के लिए संकट की आर्थिक लागत सालाना $150 अरब से अधिक होने का अनुमान है। हृदय और फेफड़ों की बीमारियों और कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के अलावा वायु प्रदूषण से जुड़ी हर मिनट अनुमानित 3 मौतों के साथ स्वास्थ्य प्रभाव कहीं अधिक खराब है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।